वेल, बिग बॉस सीजन 1 ओटीटी का काफी बड़ा हिट रहा है और अब वक्त आ गया है बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के रिटर्न आने का। जी हाँ, सीजन 2 बहुत ही जल्द जो है शुरू होने जा रहा है। पिछले बार भी बिग बॉस सीजन 15 के पहले ही बिग बॉस ओटीटी सीजन 1 हुआ, जहाँ पे दिव्या अग्रवाल ने इस शो को जीत लिया। करण जौहर वहाँ पे बतौर होस्ट हमें दिखाई दिए। अब खबरें आ रही है बिग बॉस सीजन 2 ओटीटी का जो है करण जौहर नहीं कोई और होस्ट करने वाला है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि आखिर ऐसा कौन कंटेस्टेंट है जो जिन्हें अप्रोच किया गया है बिग बॉस मराठी सीजन से, लेटेस्ट सीजन जो हुआ उसमें से अब अप्रोच किया गया है इस कंटेस्टेंट को, तो आखिर कौन से बिग बॉस मराठी के फाइनलिस्ट कंटेस्टेंट है जो हमें दिख सकते हैं बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 में। आप देख रहे हैं फीफा फूज, मैं हूं आपकी होस्ट दोस्त वेदांगी कर्णिक। वेल, बिग बॉस सीजन 16 से पहले बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 आने वाला है। होस्ट आखिर कौन रहेंगे, क्या करण जौहर वापसी करेंगे या फिर कोई और एज अ होस्ट हमें दिखाई देंगे, ये तो हमें वक्त आने पर ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल हमें कई नाम सामने दिखते हुए सुनने में आ रहे हैं कि किन किन को अप्रोच किया जा रहा है बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के लिए। इसमें से स्प्लिट्स विला के लेटेस्ट सीजन के विनर जय दुधाने थे, उसके बाद उन्होंने बिग बॉस मराठी भी किया जहां पे फर्स्ट रनर अप वो डिक्लेयर किए गए और उस शो को जो है जीतने से बहुत ही करीब जो है वो आ पहुंचे थे। विशाल जो है उन्होंने शो जीत लिया था बिग बॉस मराठी का सीजन, और अब कहा जा रहा है कि बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के लिए उन्हें अप्रोच किया गया है। और सुनने में तो ऐसा भी आ रहा है कि उन्होंने जो है इस शो को करने से हाँ कर दिया है। अगर बिग बॉस मराठी सीजन के बाद उन्हें इतना ज़्यादा फेम मिला है, सेकंड आए हैं वो, तो ऑफकोर्स जब बिग बॉस ओटीटी में आएंगे तो और बड़ा कमाल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जैसे हमने पिछले साल भी देखा कि कुछ कंटेस्टेंट्स ओटीटी के हमें देखने मिले हैं बिग बॉस सीजन 15 में, जैसे कि प्रतीक हो, निशांत हो, शमिता हो, और एज वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट्स हमने कुछ समय के लिए राकेश और नेहा भसीन को भी देखा था। तो ये एक बहुत अच्छा मौका है बिग बॉस ओटीटी में आने का, कि अगर आप बिग बॉस ओटीटी में आए तो आप बिग बॉस के 16 सीजन में भी जा सकते हो जहाँ पे खुद सलमान खान बतौर होस्ट होते हैं। सो इट्स अ वेरी वेरी ह्यूज डील। तो जहाँ तक खबरें सामने आ रही है, जय दुधाने को अप्रोच किया गया है और उन्होंने इस शो को करने से हाँ करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। कई जगहों से खबरें आ रही कि उन्होंने इस शो को हाँ कह दिया है, तो कई जगहों से खबर आ रही है कि अभी तक उन्होंने हाँ नहीं किया है, बट वो हाँ बहुत जल्द कर सकते हैं, अनकन्फर्म्ड कंटेस्टेंट बन सकते हैं बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के। तो वेल, आपको क्या कुछ है कहना, कि आपने बिग बॉस मराठी का लेटेस्ट सीजन देखा जहाँ पे जय दुधाने थे, क्या आपने स्पिरिट्स विला देखा जहाँ पे जय दुधाने उनके पार्टनर आदित्य के साथ ये शो जीत चुके हैं, और क्या आप इन्हें देखना चाहोगे बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 में? डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स डाउन बिलो। आई सी यू गाइस सून।